हर्षवर्धन जी आप ही से शुरू कर रहा हूं, ये जो सर्वे कह रहा है महाराष्ट्र की कहानी, ये तो मतलब एकदम सब उलट पुलट हो जाएगा। अगर इतना बड़ा नुकसान एनडीए को महाराष्ट्र में हो रहा है, तो जो इतनी जुगत की, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, उससे कुछ फायदा हुआ क्या? ये 20 सीटें जो आ रही हैं, क्या उसी वजह से आ रही हैं क्या? हर्षवर्धन जी देखिए मानक जी, इस सर्वे के लिहाज से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है जिस लाभ के लिए उसने शिवसेना और एनसीपी की ऐसी की तैसी कर दी, जिसके लिए उसने अपने ही कार्यकर्ताओं को, जिसको कहते हैं ना कि जरा ठंड रखो भाई, अभी हमको बदला लेना है, अभी राजनीतिक एक तरह से कहें कि जो एक दूसरे से ईगो क्लैश था उसको दुरुस्त करना है, थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में सब ठीक कर लें। अगर ये स्थिति है तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उनकी ये रणनीति कहां जा रही है। लेकिन इससे आगे की एक बात है, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ नहीं हो रहा है और उस शिवसेना, उस एनसीपी और उस कांग्रेस को हो रहा है, जिनको वहां एक तरह से कहें तो, अगर अवधि में कहें तो, खड़े होने का सहूर नहीं है, यानी राजनीतिक तौर पर जो सामान्य शऊर होता है वो भी नहीं। कांग्रेस को आप देखिए तो नाना पटोले हो, संजय राउत हो, ये शरद पवार के ऊपर जो जो बयान दे रहे हैं दबे छिपे, अब वो और क्या कहें, मतलब जिसको कहे ना कि कहते हैं कि अब बस भरे बैठे हैं, मुंह से निकल नहीं पा रहा है, लेकिन चलो ठीक है, बचा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता से अभी कोई भी सर्वे वाला कोई सही बात समझ पाएगा, ये ठीक वैसे ही है जैसे मानक जी के शो में अभी शरद पवार के ऊपर कोई निष्कर्ष हम लोग निकाल पाए। अरे उनका भतीजा, उनकी बेटी, उनके साथ बरसों से काम करने वाले प्रफुल्ल पटेल, दूसरे लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि अभी जो नतीजे हैं वो एक तरह से कहें कि भ्रम की अवस्था वाले नतीजे हैं। स्थिति साफ तो तब होगी जब शरद पवार साफ हो जाएंगे, और अगर नहीं साफ होंगे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर उनका साफ होना तय है, और तब यही नतीजे आपको उलट होते दिखाई। ओके, ऑल राइट। अब ये हुआ, अगर एनसीपी और शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा नहीं होता तो और भी बुरा हाल होता। मैं सर्वे के आंकड़ों पर जा रहा हूं, बीजेपी इसका मतलब कहीं नहीं होती, 20 जो आए हैं वो तो इन दोनों को साथ लेके आ रहे हैं। नहीं देखिए मारक जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये सब वहां महाराष्ट्र के भीतर भी रीजनल फोर्सेज हैं, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, चाहे एक साथ रही हो चाहे टूट टूट कर रही हो, किसी का पैन महाराष्ट्र कोई अगर हो, अगर आप मुझे आंकड़े हो कोई बता दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जहां पर खड़ी है उसके सामने अगर ये सामूहिक शक्ति के तौर पर सब मिल जाए, सब मतलब शिवसेना के दोनों धड़े, एनसीपी के दोनों धड़े और कांग्रेस, तब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी ही होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा ताकतवर अजीत पवार है, आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे हैं, आज की स्थिति में एक बड़ा वर्ग है शिवसेना और एनसीपी का जिसको लगता है कि अब मूव ऑन करने का समय आ गया है, हमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने फंसा के रखा था, हम अटके हुए थे। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, महाराष्ट्र में उनके लिए बेहतर ही स्थिति। ओके आचार्य।